बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं हाजी अब्दुल रशीद साहब दुबई वाले, जो मशहूर हैं शायद दुबई वाले, हाजी रशीद साहब के साथ हैं जी माशाल्लाह, और मेजर साहब भी साथ हैं। आज हाजी रशीद साहब के हम इनवाइटेड थे, इन्होंने बड़े प्यार से और मोहब्बत से बुलाया हमें, और बड़ी हमारी इन्होंने खिदमत भी की और मेहमान नवाजी भी की। हाजी साहब वैसे माशाल्लाह वैसे भी बहुत अच्छे आदमी हैं, और दिल के भी बहुत अच्छे आदमी और शौकीन भी बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने कुछ बातें भी हमसे शेयर की, क्योंकि ये टूर्नामेंट्स वगैरह वहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, दुबई में रहे हैं पहले साहब का, तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने शेयर की जो बहुत हमारे लिए इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान के लिए मुफीद साबित होंगे। तो इनका शौक भी देखा है और बहुत अच्छे कबूतर थे, मेजर साहब बताएंगे कबूतर भी मेरे सामने देखे हैं और इनसे मुलाकात भी हुई है। और साथ में ये भी आपको बता दूँ कि हाजी रशीद साहब ने छत पर लाइटें वगैरह माशाल्लाह असूज के लिए नई लाइटों का सिस्टम किया है, और हम छत का भी आपको व्यू देंगे, और बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग किया है साहब ने। अल्लाह इनको कामयाब करे, हमारी दुआ है, और ये अच्छे टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन लें और अच्छा शो करें। जी मेजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रशीद भाई दुबई वाले इनकी छत पर आए, और इन्होंने ये ना सिर्फ के एक अच्छे कबूतर परवर हैं बल्कि एक अच्छे ऑपरेटर, जैसे कि इमरान भाई ने बताया, तो हम इनसे गाइड लाइन भी लेते रहे, मोटरसाइकिल अंदर कर दी। और खुशी की बात ये हुई है कि भी जब मैं आया मेरे जहन में नहीं था कि इतने अच्छे कबूतर होंगे, मगर मैं रियली एक कबूतर परवर होने के नाते से रशीद भाई को और इनके शौक को अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने बहुत थोड़े कबूतर रखे हैं, सिर्फ 8-10 कबूतर रखे हैं, और 8-10 जो भी रखे हैं बहुत आउटस्टैंडिंग कबूतर रखे हैं। दो टेडी हैं, दो लाल रखे हैं, एक लाख है, एक आधा देसी कबूतर वाला कबूतर, हाँ पिपला वाला देसी कबूतर है, और उसी से इन्होंने शौक को बनाया है। और इनके हिम्मत को मैं इसलिए भी अप्रिशिएट करता हूँ कि ये स्पेशल दुबई से इधर आए बच्चों के कप को उड़ाने के लिए और असूज के लिए, और असूज के लिए, और कुदरती है कि बच्चे इनके कोई अपसेट हो गए, मगर फिर भी ये उम्मीद से हैं, और इंशाल्लाह आज कुछ बेहतर है। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपका शौक पूरा करे, और आप हमारे एक सांसे हैं और मुल्तान सुल्तान के एक बहुत गर्म कारकुन भी हैं, और हमें खुशी इस बात की होती है कि आप बिल्कुल उधर हो तो उधर भी अप्रिशिएट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, जब इधर होते हैं तो इधर भी, दुबई से बैठ के, और दुबई से बैठ कर इधर ऐसे लगता है कि आप हमारे साथ ही हैं। तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कोई हमें कोई चीज़ अगर गाइडलाइन की ज़रूरत होगी, या आप कोई ऐसे सजेशन समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान को आगे जाने के लिए आसानी होगी, पहले भी आप गाइड करते हैं, अगर कोई हो तो आप बेधड़क हमें बता सकते हैं, और हमें आपकी बातों को इंशाल्लाह। मैं हाजी अब्दुल रफी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने भी ख्याल शौक के हवाले से और मुल्तान सुल्तान क्लब के हवाले से अपने ख्याल करें, ज़रा कि वो शौक को किस निगाह से देख रहे हैं, कि शौक मुल्तान का बेहतरी की तरफ है या किस लेवल पर है, ये थोड़ा सा हाजी साहब अपनी जो है कमी पेशी है वो भी जरूर बताएं। जी भाई साहब, आप भी थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुल्तान सुल्तान के दोस्तों को, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, आज इनको रिक्वेस्ट की थी, भाई को दावत दी थी, बहुत आला गर्फी का मुजाहरा किया जी मेजर इमरान साहब ने, और मिर्जा इमरान साहब ने हमें इज्जत बख्शी, हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए, ये लाइटों का कुछ सेटअप किया था इनके इफ्तिताह के लिए, बहुत इनका पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं जी। माशाल्लाह जी, मुल्तान सुल्तान जिस तरह शोक करवा रहा है और जिस तरह परवान चढ़ रहा है शोक इनके मुल्तान सुल्तान के प्लेटफार्म से, हम भी काफ़ी इससे इम्प्रेस हुए हैं, दोस्तों ने भी दुबई में काफ़ी अप्रिशिएट किया है इनको, तो माशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये बहुत अच्छे शो करवाएंगे, हमारा पूरा तावन इनके साथ है, पहले भी था, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जितने भी टूर्नामेंट्स हों उनका बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना वो उनके रिजल्ट आए, और बड़ी प्यार मोहब्बत से और भाईचारे से जिस तरह उन्होंने पहले टूर्नामेंट करवाए हैं, इनसे उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे भी ऐसे हमें साथ देते हैं। इंशाल्लाह जी, जरूर सर, जरूर, बहुत बहुत भाई साहब का बहुत शुक्रिया जी। एक मैं छत की जो व्यूज हैं उसकी वीडियो अलग बना के डाल दूंगा, तो तमाम दोस्तों का सलाम।